अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कंटेंट एरिया को डिक्लेयर करेंगे और साइड बार एरिया को दोनों को वाजे कर देंगे और उनके रोल्स को वाजे कर देंगे इस क्लास में इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं मेन एरिया की जाने बढ़ता हूँ। ये रहा मेन एरिया और ये रहा मेरे पास कॉन्टेंट एरिया। कॉन्टेंट एरिया के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ और सबसे पहले इसमें इसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ। आई थिंक की कलरिंग तो मैंने की हुई है इसकी मुनासिब, बस ये इसको स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे कौन सा देना है। होम पेज में मैं एक स्टिल पेज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैंने बनाया पी का टैग और कंटेंट एरिया के अंदर मैं एक और बनाता हूँ डिव का टैग, एक और मेन डिव का टैग लगाता हूँ जिसके अंदर दरअसल मैं ये डेटा को डायरेक्टली इंसर्ट करूँगा क्लास, ठीक है ना। अब मैं क्लास दे रहा हूँ क्लास, क्योंकि ये हो सकता है मुझे दूसरे पेज में भी इस्तेमाल करना पड़े इसको। सो मैं क्लास देता हूँ, क्लास में मैं रखता हूँ कि पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मैंने दे दिया और पोस्ट के अंदर डिव क्लास टाइटल और उसके बाद ये टाइटल कंप्लीट होता है आपका और उसके बाद एक और डिव डिस्क्रिप्शन। अब इसको मैं जो एक्स्ट्रा मेरे पास इंटर था इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर टाइटल में मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 8.1 और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिलहाल मैं डमी के तौर पर लिख रहा हूँ लेकिन उसके बाद डेटाबेस से डेटा हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मैं लिखता हूँ कि there are a lot of ways to install Windows 8.1. Actually, it is an updated version of Windows 8, ठीक है ना। बस ऐसे ही मैंने डमी के तौर पे टेक्स्ट लिख दिया है। इसको एक दफ़ा मैं देखता हूँ रिफ्रेश तो मेरे पास इस तरीके से आ जाता है हाउ टू इंस्टॉल ETC। अब इसको बाकी मजीद इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ, ये लास्ट में ही कॉन्टेंट एरिया के बाद आता हूँ और एक टैब लगाता हूँ। टैब लगाने के बाद मैं डॉट लिखता हूँ पोस्ट और पोस्ट को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ वाइट। एट दिस टाइम मैं इसको वाइट दे रहा हूँ, बाद में फिर देखते हैं। और विद मैं देता हूँ, विद मैं नहीं दूंगा बल्कि मैं ऑटोमेटिक विद रख दूंगा इसकी। जस्ट लुक इट रिफ्रेश, देखें इस तरीके से मेरे पास आ गया ये हाउ टू इंस्टॉल। अब मैं दूंगा कॉन्टेंट एरिया को थोड़ी सी पैडिंग मैं इसको देता हूँ मिसाल के तौर पर 20px की और ऑब्वियसली फिर मुझे 40 इससे कम करना पड़ेगा 10 और मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास हाउ टू इंस्टॉल ये सेंट्रलाइज होकर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मज़ीद इसमें क्या करते हैं, मज़ीद इसमें हम ये करते हैं कि इसको मैं थोड़ी सी हाइट भी कम करूँगा ऑब्वियसली 410 रिफ्रेश। फिलहाल मैंने हाइट कम कर दी लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आगे बढ़ते हुए इसको फ्लेक्सिबल करेंगे, हाइट का चक्कर ही ख़त्म कर देंगे। अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा बल्कि मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। टाइटल में मैं ये नहीं देता हूँ कि ये इसको मैं देता हूँ मेन पोस्ट का नाम ना, मेन पोस्ट, क्योंकि दीगर पेजेस में पोस्ट हम ऐड करनी है ना। मेन पोस्ट मैंने दे दिया। इधर मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू आवर साइट, फिर इधर मैं लिखता हूँ कि दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आवर पोर्टल या कंपनी, वाट एवर जो भी आप कहना चाहें, कि डमी है खाली टेक्स्ट ही है। उसके बाद मैं मज़ीद इसमें जो भी स्टाइलिंग करना चाहूँ मैं इधर कहता हूँ मेन पोस्ट, फिर नीचे मैं कहता हूँ कि मेन पोस्ट डॉट मेन, उसके नीचे है कि टाइटल, ठीक है ना, या फिर यूँ कहते मेन पोस्ट के अंदर जो डॉट टाइटल मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं हम। बैकग्राउंड इसको नहीं देंगे, इसको खाली कलर देंगे। कलर में देता हूँ ब्राउन कलर का और उसके बाद
अब मज़ीद इसको मैं देता हूँ फॉन्ट साइज में देता हूँ 20px और मैं करता हूँ इसे ये देखिए वेलकम टू अवर साइट, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अवर पोर्टल, वाट एवर जो भी मैंने लिखा डमी, ये मेरे पास मुझे टेक्स्ट के तौर पे मिल चुका है फ्रंट पेज पर। इसको मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, इधर इधर स्पेस पे आते हैं, इसको मैं एक स्पेस देके इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ सिंपली, फिर इंशाल्लाह ताला बाकी फिर आपने जिस वे में भी इसको इंस्टॉल करना हो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। डुप्लीकेट किया और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, ठीक है, और थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये हमने फ्रंट पेज का जो है समझे कंटेंट एरिया क्रिएट कर लिया है, अब साइड बार एरिया पे चलते हैं। तो साइड बार एरिया में साइड बार एरिया सब पेजेस में सेम होगा, ठीक है ना, साइड बार एरिया में कुछ डिफरेंस दीगर पेजेस से नहीं रखा जाएगा। बाय द वे इस पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं इसको एक कंटेनर बनाऊँगा क्लास, और इधर मैं लिखूँगा क्लास के अंदर मैं लिखूँगा रिसेंट पोस्ट, ठीक है ना, यानी ताज़ा तरीन पोस्ट। और उसके अलावा एक और कंटेनर बनेगा हमारे पास डिव, इसको मैं क्लास दूंगा इसको मैं क्लास देता हूँ मिसाल के तौर पर पोस्ट, और यह मेन पोस्ट नहीं, इसको मैं देता हूँ न्यूज़ लेटर, ठीक है ना। अब रिसेंट पोस्ट को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर आकर, या पहले रिसेंट पोस्ट को पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, तो खाली बैकग्राउंड का कलर वगैरह दे देंगे फिर बाद में देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या करना है। ये यहाँ पे हम रिसेंट पोस्ट बनाने जा रहे हैं, नहीं बल्कि साइड बार के नीचे बनाएंगे, ये साइड बार यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैं यहाँ पे एंटर करके एक टैब लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि रिसेंट पोस्ट डॉट रिसेंट पोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली मैं इसको देता हूँ एक बैकग्राउंड, फिलहाल मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बाद में मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर दूंगा, मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ वाइट कलर का, और मैं कहता हूँ उसके अलावा कि विद इसकी ऑटोमेटिक रहे, ठीक है ना। और उसके बाद रिसेंट पोस्ट के अंदर मैं मज़ीद डिव्स क्रिएट करूँगा और क्लास क्लास में मैंने लिखा कि रिसेंट पोस्ट डेटा, ठीक है ना, इधर लिखूंगा मैं हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 8.1, ठीक है ना। अब रिसेंट पोस्ट के अंदर आप वही डेटा इंसर्ट कर रहे हैं जो कि आप अपने ब्लॉग में इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना, ब्लॉग जो ब्लॉग वाला जो हमारा पेज होगा ना, ये वाला पेज, इसमें हम इंसर्ट करेंगे, वो डेटा रिसेंट पोस्ट में भी आएगा, ठीक है ना। जबकि होम पेज में हमने खाली क्या इंसर्ट किया है, वेलकम टू अवर साइट, और दो तीन चीज़ें मजीद हम इंसर्ट करना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। सो इधर वापस आता हूँ मैं, इधर मैंने दो रिसेंट पोस्ट क्रिएट कर लिए, उसके बाद मैं एक और रिसेंट पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ यहाँ पर आकर, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 8, और नीचे मैं लिखता हूँ कि हाउ टू मेक ISO इमेज या ISO डिस्क जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे चलते हैं, मतलब कंप्यूटर से मुतालिक कुछ ऐसे एक्सेसरीज, कुछ सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं ऐसी रिसेंट पोस्ट ऐड कर रहा हूँ। तीसरे नंबर में लिख लेता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद मज़ीद नीचे चलते हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं फाइनली, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है ना, व्हाट इज़ कंप्यूटर या व्हाट इज़ इंटरनेट कर लेते हैं, इंटरनेट, ठीक है ना, व्हाट इज़ इंटरनेट। अब अगर हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो इसको रिफ़्रेश करने की सूरत एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 8.1, हाउ टू मेक ISO डिस्क, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हाउ व्हाट इज़ इंटरनेट, और उसके बाद अब रिसेंट पोस्ट के नीचे मैं इंटर करता हूँ, कहता हूँ डॉट रिसेंट पोस्ट डेटा, और रिसेंट पोस्ट डेटा में मैं लिखता हूँ पहले बैकग्राउंड कलर में एक देता हूँ, जो मुझे चाहिए वो कलर मैं इधर गिवन कर सकता हूँ, मैं वैसे फ़िलहाल ऑरेंज गिवन करता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। साथ साथ मैं एक विद दे देता हूँ इसको DTH विद, मैं इसको देता हूँ मिसाल के तौर पर मैक्सिमम
200px, इसको बहरहाल हम शायद एडजस्ट करें मज़ीद, और हाइट मैं इसे नहीं दूंगा बल्कि मैं इसे देता हूँ पैडिंग, पैडिंग में देता हूँ 10px और स्पेस, और उसके बाद में देता हूँ 0px, यानी कि जब विद मैंने दे दी है तो मुझे फिर लैपटॉप लेफ्ट एंड राइट से मुझे पैडिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें इस तरीके से मेरे पास शेप आ जाती है। आफ्टर दैट आई मस्ट हैव टू क्रिएट द मार्जिन फ्रॉम मार्जिन सिंपल मार्जिन 10px एट दिस टाइम 10px देन आई विल, ये हमारे पास हाउ टू ये आ गया थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है ना, मार्जिन भी हमने दिया, ये हमारे पास आ गया। अब मैं रिसेंट पोस्ट को एक स्पेसिफिक मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 20px, ये देखिए। अच्छा जी, इसको मज़ीद इंक्रीमेंटेशन देते हैं, मैं देता हूँ इसे मिसाल के तौर पर 50, टू मच, रिफ्रेश, इट्स नॉट गेटिंग द डेटा, रिसेंट पोस्ट इधर चलते हैं, अच्छा रिसेंट पोस्ट एस भी लगा हुआ ना, मैंने एस नहीं लगाया था, नाउ इट इज, यहाँ पर चलते हैं, इसको मैं देता हूँ सिर्फ 40px, और 40px देने के बाद मैं इसको देखें, अब थोड़ा सेंटर में आ गया ये मेरे पास, ये परफेक्ट है। इसको बाकी मज़ीद ये करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको पैडिंग, या पैडिंग नहीं, मार्जिन लेफ्ट 10px, ठीक है, उसके बाद आप इसको चेक करेंगे, देखें तो ये अच्छा मैंने मार्जिन ऑलरेडी गिवन किया हुआ, मुझे मार्जिन ही पैडिंग में ही काम करना होगा। सो अब पैडिंग में दोनों साइड से दूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मैं असल में इसको देता हूँ 10px फिलहाल, तो देखते हैं, या बल्कि मेरे ख्याल में सही व्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, 10px यहाँ से भी हो गया। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, 40 से मैं इसको 35 कर लेता हूँ, 35, और इसको अब चेक करते हैं ब्राउज़र में, तो थोड़ा सा पीछे इसको पूरा 30 पे ले जाते हैं, कम टू द कोडिंग पैनल एंड 30 एंड आई विश दैट इट विल, इट लुक्स गुड, या इट इज़ लुकिंग गुड। उसके बाद अब आप सिंपली क्या करेंगे, एज यू नो कि इसको आप हाथ के हाथ हर एलिमेंट को आप कहते हैं जिस पर माउस जाए आपका, तो रिसेंट पोस्ट डेटा क्या हो जाए वो आप इधर डिफाइन कर देते हैं, आप कहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर आप इसको कह देते हैं। अब मैं हैश लगा के चेक करूँगा, हैश ओके, ठीक है ना, इसको मैं इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ वो देखें, ओहो आई सी, इसे मैंने होवर नहीं किया था, सॉरी। अब इसको आप इधर देखेंगे, देखिए जब आप माउस लेके जाते हैं होवर करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इस तरीके से खूबसूरत सा लुक आपको ये मिलता है यहाँ पर। सो ये हमने एक समझे होम पेज को थोड़ा सा क्रिएट, थोड़ा सा इसको भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी शेप में आ जाए, ये भी हमारे पास। मैं आता हूँ मेन पोस्ट जो मेरे जो टाइटल है, और उसके बाद मेन पोस्ट में डिस्क्रिप्शन है, इसको भी हम कॉल करेंगे। मेन पोस्ट को भी मैं ऑलरेडी इन इटसेल्फ पैडिंग देता हूँ, मेन पोस्ट को मैं पैडिंग दे देता हूँ मिसाल के तौर पर 20px, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा डेटा मेरा और सिमट जाएगा, और ये थोड़ा मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है लुक वाइज। और उसके बाद जो टाइटल है, टाइटल में मैं कहता हूँ कि बॉर्डर बॉटम, ठीक है, मैं बॉर्डर बॉटम देता हूँ, कलर में दे देता हूँ ब्राउन, और उसके बाद ब्राउन कलर सॉलिड और 2px, और उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का मुझे बॉर्डर मिल जाता है, एक अच्छा लुक लग रहा है मुझे ये आफ्टर ऑल। और उसके बाद सिंपली मैं कहता हूँ कि टाइटल के बाद एक मार्जिन आ जाए, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, वो मैं देता हूँ इसको 20px, फिर इसको देखते हैं कि क्या मुनासिब है इसके लिए, 20, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ये हमारे पास। अगर हम बात करते हैं फ्रंट पेज की तो ये एक अच्छा लुक लग रहा है, लेकिन ये जो कलर हमारा जो होवर का है इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं हाथ के हाथ, ठीक है ना। होवर कलर के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और हैश लगाता हूँ, कुछ रेडिश ही टून में मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या यही वाला कलर ले लेते हैं चलें, ठीक है ना। और अब इसको कर लेता हूँ मैं, देखिए इट इज़ नॉट इट नॉट चेंज येट, ओहो हो हो, वेयर मैंने किधर चेंज किया, मैंने आई थिंक ये वाला नेविगेशन चेंज कर दिया, मुझे ये वाला नेविगेशन को चेंज करना था, थोड़ा सा
इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है कि हम किधर काम कर रहे हैं। ये रहा मेरे पास, अच्छा साइड बार है ना, यहाँ पर मुझे चेंजेस करने थे, ये कलर को मुझे चेंज करके देना था हैश और ये वाला कलर, ठीक है ना। मैंने गलती से ऊपर वाले कलर को चेंज कर दिया, बाय द वे अब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुझे परफेक्ट वे में लुक में नज़र आता है। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि वन थिंग मोर टू बी, इधर मैं कहता हूँ कलर, लिखाई का कलर वाइट हो जाए जब होवर हो रहा हो तो। नाउ जस्ट चेक इट इन द ब्राउज़र, ठीक है ना। ये परफेक्ट वे में हमारे पास एक हमारा फ्रंट पेज बन चुका है, कंटेंट एरिया बन चुका है, और साथ ही साथ हमारे पास ये हमारा साइड बार बन चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फुटर पे काम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इस लेसन में, बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।